चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज हियरिंग हुई है। हमारे साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के एडवोकेट हैं। सर, क्या कुछ हुआ हियरिंग में? जो कैंडिडेट थे उनकी तरफ से पिटीशन जो है डाली गई है। देखिए, पिटीशन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के द्वारा फाइल की गई, वो ये फाइल की गई कहीं ना कहीं उनके साथ धक्काशाही हुई है। देखिए, जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, शेड्यूल निकला है, ये पाँचवीं उनकी पिटीशन है। हर बार कोर्ट ने उसको नकारा है। आज भी इंटरिम रिलीफ के उनके सवाल पर कि क्या उनको इंटरिम रिलीफ मिलना चाहिए, कोर्ट ने बिल्कुल मना किया है। प्रशासन की बात सुनते हुए, ऑब्जेक्शंस को सुनते हुए कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया है कि हम अपने जवाब दायर करें। एक वीडियो भी सर सर्कुलेट हो रहा है जो जिसमें अनिल मसीह जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं वो इनिशियल्स कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं और एक टिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। देखिए, वो उसका जवाब अनिल मसीह जी देंगे बिकॉज वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, सारी के सारी जो वीडियोग्राफी की हुई है, जो बैलेट पेपर्स हुए हैं, उन्हें स्ट्रांग रूम में रखी हुई है। अगर कोर्ट चाहेगा और मांगेगा, हम कोर्ट में पेश कर देंगे। प्रोसेस को लेकर क्या आर्गुमेंट्स हुए हैं अंदर? जो अनिल मसीह जो उन्होंने सारी कंडक्ट करवाई है, उसमें इनिशियल्स होते हैं, साइन करवाते हैं, उसको लेकर कोई आर्गुमेंट्स हुए हैं? देखिए, प्रोसेस को लेकर कोई नहीं आर्गुमेंट, सिर्फ इस बात पे हुई, हमने ये सवाल उठाए कि इस स्टेज पे इलेक्शन, इस स्टेज पे रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है बिकॉज डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट इसमें इन्वॉल्व है। आप एलिगेशन लगा रहे हैं, वीडियोग्राफी की एलिगेशन लगा रहे हैं, बैलेट पेपर्स की, तो वो 226 के अंदर, 226 के अंदर कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं कर सकता। हाल 3 हफ्ते का टाइम जो है, 3 हफ्ते का वक्त जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है। जवाब दायर करेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। जो पिटीशन जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दायर की गई है, जो पिछले कल चंडीगढ़ मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के जो चुनाव हुए हैं उनकी वैधता के ऊपर जो सवाल खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, यूपी न्यूज़, चंडीगढ़।